हेलो दोस्तों, रे किसान में आपका स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले ओप्पो रेनो 2G की। तो दोस्तों, ये मुझे परफॉर्मेंस वाइज अच्छा लगा और इसका कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन आपको इसमें हेलियो का P90 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है, जो मुझे इस प्राइस सेगमेंट में बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और थोड़ी बहुत बातें हम इसके प्रोसेसर पे करेंगे। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट करते हैं, वीडियो को हम जल्दी से शुरू करते हैं। और आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसका बॉक्स दिखा देता हूँ। तो आपको कुछ इस तरीके का बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है। वैसे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा बॉक्स क्या है, बिल्कुल सफेद दिख रहा है मुझे खुद स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आपको इसमें एक क्वाइट कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, साथ ही साथ इसमें एक आपको LED फ्लैश लाइट भी देखने के लिए मिलती है और नीचे आपको एक क्यू देखने के लिए मिल जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप अपने फोन टेबल पर रखते हैं तो उससे आपका कैमरा घिस जाता है, लेकिन आपको इसमें क्यू दिया हुआ है। जैसे कि आप अपना फोन टेबल पर रखेंगे तो आपका कैमरा घिसेगा नहीं। नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको नीचे की तरफ ओप्पो रेनो 2G लिखा हुआ दिख रहा होगा, साइड में देखेंगे तो आपको बस ओप्पो लिखा हुआ दिख रहा होगा। पीछे की तरफ देखते हैं तो कुछ चीजें लिखी हुई हैं। हमारे पास जो वेरियंट है ये 8GB रैम 256GB वाला है और हमें जो फोन कलर देखने के लिए मिलता है वो ल्यूमिनस ब्लैक देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों, ये था बॉक्स का इंटरफेस। जल्दी से हम अपने कंटेंट पर आ जाते हैं, आपको इसमें क्या क्या कंटेंट देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको बॉक्स में एक सेफ्टी गाइड देखने के लिए मिल जाती है, साथ ही साथ आपको इसमें एक और गाइड दी हुई है जिसमें इसकी स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं। और आपको जो बॉक्स में सेकंड कंटेंट देखने के लिए मिलता है वो है इसका सिम इजेक्टर। अब हम अपने थर्ड कंटेंट पर आते हैं तो आपको इसमें एक टिपिकल टाइप एयरफोन देखने के लिए मिल जाते हैं। जो एयरफोन है 3.5mm ऑडियो जैक वाले हैं और आपको इसमें एक बैक कवर भी देखने के लिए मिल जाता है। वैसे ही जो बैक कवर है इसका डिजाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब अपने फोर्थ एंड लास्ट कंटेंट पर आ जाते हैं तो आपको ओप्पो की तरफ से इसमें एक चार्जर देखने के लिए मिल जाता है। ये जो चार्जर है ये 20 वाट वाला चार्जर है, साथ ही साथ आपको इसमें एक टाइप सी भी केबल देखने के लिए मिल जाती है। आपको फोन में टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों, आपको फोन कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिल जाता है। इसके रैपर पे कुछ स्पेसिफिकेशन दी हुई है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इसमें क्वाइट कैमरा देखने के लिए मिल जाता है और पहला आपको रियर में जो कैमरा मिलेगा वो 48 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिलेगा। सेकंड जो इसकी स्पेसिफिकेशन है वो है अल्ट्रा डार्क मोड। जैसे आप रात में फोटो लेते हैं तो आपको ये मोड काफ़ी मदद करने वाला है। अब हम इसके थर्ड मोड पर आते हैं तो आपको जो इसमें थर्ड मोड दिया हुआ है वो अल्ट्रा स्टडी वीडियो का दिया हुआ है। जैसे कि आपकी वीडियो शेक होती है तो आपकी वीडियो ज़्यादा शेक नहीं होगी। अब हम इसके फोर्थ स्पेसिफिकेशन पर आए थे तो आपको इसमें 6.5 इंच की एक एमोलेड वाली डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। ये जो इसकी नई एक पैनोरामिक स्क्रीन है तो आपको इसमें डिस्प्ले जो देखने के लिए मिल जाती है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है और इसकी जो डिस्प्ले है वो काफ़ी ब्राइट है। और हम इसकी फिफ्थ स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो आपको इसमें 4000mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही साथ आपको जो इसमें चार्जिंग देखने के लिए मिल जाती है वो क्विक चार्जिंग 3.0 का सपोर्ट भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। जो आपकी बैटरी है वो काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी चलेगी, साथ ही साथ अगर आपकी बैटरी फास्ट चार्ज हो जाती है तो और ज़्यादा अच्छा वर्क करेगी। और हम इसकी 6 स्पेसिफिकेशन पर आते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे पास जो ये जो वेरिएंट आया है ये 8GB रैम 256GB वाला आया है। तो दोस्तों, अब हम इसके जल्दी से रैपर को हटा लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने अब इसका रैपर हटा दिया है। अब मैं आपको फ़ोन का लुक और डिजाइन दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम इसके नीचे देखते हैं तो आपको एक 3.5mm ऑडियो जैक देखने के मिल जाता है। टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है और बराबर में आपको स्पीकर भी देखने के लिए मिल जाता है। और आप स्पीकर के बराबर में देखेंगे तो आपको एक माइक होल भी देखने के लिए मिल जाता है। और हम राइट साइड देखते हैं तो आपको 2 वॉल्यूम रैपर देखने के लिए मिल जाते हैं। और हम फोन के लेफ्ट साइड देखते हैं तो आपको उसमें एक पावर बटन देखने के लिए मिल जाता है, साथ ही साथ आपको उसमें एक सिम ट्रे भी दी हुई है। और हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो आपको एक पॉपअप कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों, ये था फोन का लुक और डिजाइन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आपको उसका लुक और डिजाइन कैसा लगा। मैंने कुछ स्पेसिफिकेशन आपको पहले बता दी थी, अब कुछ स्पेसिफिकेशन आपको अब बता देता हूँ। आपको इसमें ऑप्टिकल G3 का डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिल जाता है। और हम इसके स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करते हैं तो आपको 91.6% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने के लिए मिल जाता है। और हम इसकी प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो आपको फ्रंट और बैक में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी हुई है। तो दोस्तों, अब इसके कैमरे के बारे में बात कर लेते हैं तो आपको रियर में क्वाइट कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। पहला कैमरा आपको 48 मेगापिक्सल का मिलता है जिसमें आपको सोनी का IMX586 वाला सेंसर दिया हुआ है। सेकेंडरी कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है जिसमें आपको वाइड एंगल वाला लेंस दिया हुआ है। थर्ड कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का मिलता है जिसमें आपको मोनोक्रोम वाला लेंस दिया हुआ है। फोर्थ कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है जिसमें आपको डेप्थ सेंसर दिया हुआ है। डेप्थ सेंसर से आपका पोर्ट्रेट बहुत अच्छा आता है। और हम सेल्फी की बात करते हैं तो आपको 16 मेगापिक्सल की इसमें सेल्फी देखने के लिए मिल जाती है। अब दोस्तों, हम इसके प्रोसेसर के बारे में बात कर लेते हैं तो आपको जो इसमें प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है वो हेलियो का P90 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है। वैसे दोस्तों, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, उसमें जो आपको हेलियो का P90 वाला प्रोसेसर दिया है इस प्राइस सेगमेंट में कुछ ज़्यादा ही महंगा है। वैसे फ्लिपकार्ट पे अभी इसकी सेल चली तब आपको 30,000 का मिल रहा है, वैसे इसकी जो सेल खत्म हुई है आपको 33,000 का देखने के लिए मिलेगा।
वैसे ये जो प्रोसेसर है ये स्नैपड्रैगन 665 और 712 के बीच में आता है परफॉर्मेंस में। अगर हम AI की बात करते हैं तो AI में कुछ ज़्यादा एडवांस है स्नैपड्रैगन से, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से ये मुझे कुछ ज़्यादा ही महंगा मिल रहा है। आपको जो स्नैपड्रैगन 712 का जो प्रोसेसर देखने के लिए मिल रहा है वो अंडर 15 या 16 के में मिल रहा है रियलमी 5 प्रो में, और आप 30,000 से नीचे आएंगे तो आपको रेडमी K20 प्रो मिल जाएगा, आपको उसमें स्नैपड्रैगन 855 वाला प्रोसेसर मिल रहा है। तो आप खुद ही बताइए आप इस फोन को क्यों कंसिडर करना चाहेंगे। इसके बारे में बस आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, उसका कैमरा मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वैसे कैमरे के मामले में ये काफ़ी अच्छा है K20 प्रो से। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी था। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो आता रहूँगा और आपको ऐसी अपडेट करता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।